गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टिया भट्टाचार्य जी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय लिटिल ग्रीन कॉरिडोर। ये मेरा फर्स्ट हिंदी व्लॉग है और आज संडे है। मैं आप सबको अपने गार्डन के कुछ अपडेट्स दिखाती हूँ। अभी मेरा गार्डन पूरी तरह से खिल चुका है, सारे फूल खिल चुके हैं और ये नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप सब देख सकते हो कई तरह के फूल हैं। और ज़्यादातर ही खिल चुके हैं। आजकल हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके वजह से जो ठंड के फूल है वो काफ़ी सूख रहे हैं। दिन में इतना धूप रहता है कि फूल सूखने लगे हैं। आइए मैं आपको अपने फूलों से मिलवाती हूँ। ये सब तो आप जानते ही हैं, ये सब पिटूनियाज हैं। देखिए एक बटरफ्लाई आ चुका है, देखिए मैं कैप्चर कर चुकी। ये सारे पिटूनियाज कुछ हैंगिंग में है, इनेस्टेशियम, ये सारे एकदम छोटे छोटे लाई थी मैं। अब देखिए कितने अच्छे से ब्लूम करने लगा है। ये क्रिसेंथेमम पॉम्पम वैरायटी के, देखिए कितने खूबसूरत से खिल रहे हैं। ये स्पाइडर वैरायटी के हैं। सभी के कलर इतने खूबसूरत हैं, ये देखिए। और ये मेरे डालियाज देखिए, ये सब छोटे छोटे पौधे में लाई थी और अब तो सब खिलने लगे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इतना धूप बढ़ गया है तो फूल खिलने की, ये डालिया कई दिन तक रहते हैं लेकिन अभी देखिए सूखने लगे हैं। ये पिटूनिया के बास्केट देखिए, इसमें दो कलर है। मैं पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं। वहाँ पे मेरे कुछ एजेलियाज हैं, सभी फूल खिल रहे हैं, इतने अच्छे से खिल रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे डालियाज एक साथ। ये सब 10-10 रुपए का मैं पौध लेके आई थी और उनको पॉट किया था। 3 महीना तो लग ही गया, 3-4 महीने लग गए मुझे ये पॉट किए हुए। और अभी देखिए कितने खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। यहाँ पे और कुछ क्रिसेंथेमम, काफ़ी सारे सूख भी गए हैं। देखिए ये बोगनविलिया, देखिए इनका कलर कितना अच्छा है। वहाँ पे एक और है, वो एक बार ब्लूम कर चुका है, ये दूसरी बार हो रहा है। यहाँ पे भी ये एडेनियम देखिए, अभी तो इनका सीज़न नहीं है लेकिन फिर भी कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। ये नेस्टेशियम देखिए, इतने फूल खिले कि मैं किसको छोड़ूं और किसको बताऊं पता ही नहीं लग रहा है। आप देखिए जरबेराज देखिए, सारे भर चुके हैं जरबेराज। ये टोरेनिया प्लांट्स है, इनमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। ये इम्पेशंस देखिए, पूरा एक लाइन है इम्पेशंस का, पूरा भर चुका है। ये एक और जरबेरा, यहाँ पर भी कई सारे जरबेराज हैं।
ये पूरा लाइन जरबे रखकर, ये देखिए ये तो कितनी खूबसूरती से खिल रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारे। अब मैं आपको मेरे एस्टार्स दिखाऊंगी, आप जस्ट देखिए ये कितने सारे खिले हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने तो गिनना ही छोड़ दिया। एक एक प्लांट में 10 से ज़्यादा एस्टर्स हुए। आप ज़रा देखिए इनका साइज़, इनकी खूबसूरती। ये पूरा रैक देखिए आप स्टैंड पे, ये कितने अच्छे से खिल रहा है। रादर ये सब खिल चुके हैं और हर रोज़ खिल भी रहे। इतने सारे हनी बीज आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे और कुछ स्पाइडर क्रिसेंथेमम, ये देखिए हर एक प्लांट में इतने अच्छे से फ्लावरिंग हुआ होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। ये मेरे नींबू का प्लांट है, यहाँ देखिए नींबू भी हुआ है। यहाँ मैंगो का है, वहाँ चीकू का प्लांट है, उसमें भी चीकू हुआ है। देखिए नीचे मैं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं, ज़ूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे चीकू हुए हैं, कई सारे चीकू हैं। एक और अच्छा एडेनियम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये समर विंटर में भी कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। ये एक और बोगनविलिया, मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन है पर मुझे इनको सजाने का बहुत शौक़ है, तो मैं कई तरह से स्टैचूस लेकर इन्हें सज रखती हूँ, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लांट्स तो है ही, लेकिन अगर आप इनको थोड़े अच्छे से सजा के रखेंगे तो गार्डन का रूप ही बदल जाता है। हाँ ये एक और पोर्शन दिखाती हूँ, यहाँ पर भी ये एक एसी का वेंट है, आप देख रहे हैं एसी का आउटर बॉक्स है, उसके ऊपर भी मैंने नहीं छोड़ा, सारे पिटूनियाज है। यहाँ पर देखिए ये अभी भी खिल रहे हैं। ये देखिए कॉस्मोस, यहाँ पर मेरे सारे गेंदे हैं, स्टार गेंदे। ये कैलेंडुलास है, आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ ऊपर, आज संडे है तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं सब कटिंग करूँगी वगैरह, जो ड्राई हो गए फ्लावर्स उन सबको कट करूँगी, वाटरिंग करूँगी, अभी जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए इसे कचनार प्लांट कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन ऑर्किड ट्री कहते हैं, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। आप देखिए इसके फ्लावर्स इसी टाइम में विंटर में ही होते हैं, ये एकदम बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और देखिए ये कॉस्मोस का, ये देखिए देख रहे हैं आप, देखिए ओलियंडर भी अभी भी हो रहा है। ये फूल ऐसे होते हैं, कुछ दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कुछ दिन ये लोग थोड़ा कम होते हैं। ये देखिए कुछ और ओलियंडर। यहाँ पर मैंने अपने परमानेंट प्लांट्स को सब रख दिया है, इस जगह की बड़ी कमी है तो इन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया है।
ये देखिए दोस्तों, ये गुलाब देखिए, सारे कई सारे गुलाब खिले हुए हैं। और एक एक गुलाब मेरे एक मुट्ठी के बराबर है। देखिए ये देखिए कितना बड़ा है, देखा? ये गुलाब देखिए, यहाँ पर भी कुछ है। ये देखिए, ये सब मेरे लास्ट ईयर के, मतलब ये मेरे परमानेंट प्लांट ही है। इनको से फिर से केयर करके कटिंग कर दिया था मैंने अक्टूबर के टाइम पे। और देखिए अभी बहुत जल्द मैं पॉटिंग मिक्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ। अब आप देखिए, ये मेरा शो स्टॉपर, ये बुद्धा जी, यहाँ मैंने कुछ पॉइंटशीटियाज लगाए हैं, कोलियस है। ये गेंदा देखिए आप, इनका साइज देखिए, देखिए मेरे हथेली के बराबर है। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर आपको एक सुंदर सा बगीचा मिलता है। ये एक दिन का काम नहीं है, सालों से मेहनत करना पड़ता है, महीने लग जाते हैं विंटर गार्डन बनाने में। ये काम स्टार्ट कर लिया था मैंने सितंबर के एंड से, मिट्टी तैयार कर लिया था। ये देखिए हॉली हॉक का प्लांट है, अभी ये ब्लूमिंग नहीं किए, अब करेंगे, शुरू करने वाले हैं। देखिए कितने खूबसूरत हुए हैं सब। मैं ये छोटे छोटे सीडलिंग्स प्लांट्स लाई थी, एकदम 10 रुपये 5 रुपये ऐसा, और अभी देखिए अच्छा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, जो कुछ जानना चाहते हैं, मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको पॉटिंग मिक्स बनाना और क्या क्या कौन से प्लांट में क्या लगता है सब छोटे छोटे वीडियो बनाकर बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।